जी भैया, मैं रात को 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ यार, वैसे भी आजकल काफी स्ट्रेस में रहने लगा हूँ, तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। नहीं, मैं आऊंगा ना तो बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर बात करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके, बाय बाय। इब्राहिम, तुम्हें उन्हें आज बुलाने की क्या जरूरत? कल या परसों बुला लेते हैं, हम वैसे ही थके हुए आए ऑफिस से। मैंने सोचा ये मसला आज ही हल हो जाए तो बेहतर। तुम्हें और मुझे ना ये बात अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। हमें जल्दबाजी के बजाय सब्र से काम लेना चाहिए। यार वो तो बस अब मगरिब तक पहुंचने वाले होंगे, आ जाएंगे। आई रियली होप कि इस बार भी इसके ना असल रिश्तेदार हो। लोगों ने झूठ बोलना अपनी हैबिट बना लिया है, धोखाधड़ी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ के लोगों में इतनी नेगेटिविटी क्यों, जिसे देखो धोखे और फरेब का मास्क पहने हो। हैरत है, एक वकील होकर झूठ से इतनी नफरत। मिस्टर इब्राहिम, आप भूल रहे हैं, मैं कभी भी किसी का झूठा केस नहीं लड़ती। हाँ जानता हूँ बाबा, जानता हूँ कि तुम कितनी सच्ची और ईमानदार हो। असल इम्तिहान तो यही है कि शर और बदी से भरी इस दुनिया में इंसान हक और सच को तलाश करे और उसी का साथ दे जो तुम देती हो। अगर पता नहीं क्यों हमारे लोगों ने शर को मुस्तकिल अपना ली और उनको इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। अरे याद आया यार, अम्मी बता रही थी कि बच्चे जो हैं वो मारुक से बहुत क्लोज हो गए हैं। स्कूल से वापस आने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ख्याल बहुत रखती है ना उनका। जो तो हो रहा है, जब वो चली जाएगी तो बच्चे बहुत मिस करेंगे उसे, बहुत सैड हो जाएंगे। लेकिन जाना तो होगा उसे। अच्छे लोग हुए तो ताल्लुक रखा जा सकता है, कभी कभार मिलने में कोई हर्ष तो नहीं है। हाँ यू राइट, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। तो तुम क्यों सोच रही हो? मुझे सोचने दो, अपने छोटे से जहन पे इतना जोर मत दिया करो प्लीज।